हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमारी आज की रेसिपी है सोया मोमोज। तो हमारी आज की रेसिपी है सोया मोमोज। सोया मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप सोया ग्रैनुल्स, 1/2 कप मैदा, फाइनली चॉप्ड जिंजर, फाइनली चॉप्ड गार्लिक, फाइनली चॉप्ड कैरेट्स, कैप्सिकम, व्हाइट स्प्रिंग अनियन, 1 टीस्पून सोया सॉस और ब्लैक पेपर। तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सोया ग्रैनुल्स को थोड़े लुकवार्म वाटर में सोक कर लेंगे। हमें इसे 15 मिनट्स तक सोक करना है। अगर आपके पास सोया ग्रैनुल्स नहीं है तो आप सोया नगेट्स को लुकवार्म वाटर में सोक करके उसका सारा पानी निकाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं। अब हम मैदे को भून लेंगे। और इस पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मैंने आटा अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे थोड़े से ऑयल में कोट करके 30 मिनट्स तक सेट करने रख देंगे। आटे की कंसिस्टेंसी सेमी थिक होनी चाहिए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। हमारे सोया ग्रैनुल्स अच्छे से सोक हो गए हैं। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। मैंने सोया ग्रैनुल्स का सारा पानी निकाल लिया है। तो चलिए अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। अब हमें पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल को थोड़ा सा हीट होने देना है। ऑयल अच्छे से हीट होने के बाद हम इसमें जिंजर और गार्लिक ऐड करेंगे। और इसे भून लेंगे। आधे मिनट तक हम इसे सौते करना है। अब हम इसमें ओनियन ऐड करेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें कैरेट्स और कैप्सिकम ऐड करेंगे। याद रहे हमें सारी प्रोसेस मीडियम टू हाई फ्लेम पे करनी है और वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा विनेगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें सोया ग्रैनुल्स ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ स्टफिंग भी ठंडी हो गई है और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। मैंने यहाँ लेमन साइज बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम बेलेंगे। मैंने मैदे की रोटी बेल ली है। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। हमें इसमें ओवर स्टफ नहीं करना है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे।
ऊपर से थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और ऐसे रेडी कर देंगे। इस तरह से मैंने सारे मोमोज रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। मैंने स्ट्रेनर को ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। हमें यहाँ पानी को बॉईल कर लेना है। पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और इसे हम अभी 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे। हमें 10 मिनट से ज्यादा मोमोज को स्टीम नहीं करना है, वरना ये चुई हो जाएंगे। देखिए, हमारे मोमोज अभी अच्छे से स्टीम भी हो गए हैं और शाइनी भी लग रहे हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारे मोमोज अभी खाने के लिए रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस प्लीज हिट द बेल आइकन। थैंक यू।